गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राम राम, सीताराम। उसी के साथ मॉर्निंग हो चुके हैं, बढ़िया सा गुड, और सुबह के बज चुके हैं 9। और हमें आज ऋषिकेश में, हम आज ऋषिकेश से जाएंगे हरिद्वार, हरिद्वार से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगे, और दिल्ली एयरपोर्ट से अहमदाबाद जाएंगे। तो आज का सब कुछ हमारा है। अभी लास्ट डे था ऋषिकेश में, तो इधर तो कुछ देखने का है नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, कि अभी 300-400 किलोमीटर इधर से काट के जाना है दिल्ली हमको, कि सुबह की हमारी, कल सुबह की हमारी फ्लाइट है। तो चलिए अभी सबसे मिल लेते हैं। तो देख लीजिए, आ चुके हैं रूम में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी सब लोग अपना अपना बैग अच्छी तरह से पैकिंग कर रहे हैं, फिर क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा कहीं पर बैग पैक करने का। और ये देख लीजिए, हमारा पूरा रूम है। तो चलिए आज ब्रेकफास्ट सुबह होटल में या तो ऊपर जाएंगे, और ब्रेकफास्ट करने के लिए सब लोग जाएंगे, आधे लोग चले गए हैं, हम जाते हैं। चलिए तो ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुके हैं। ब्रेकफास्ट में पूरी, हवे, सब्जी, चाय है, चाय अभी लेने जाना है। और ये लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इधर भी दोनों देख लीजिए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ऋषिकेश से हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और अभी बज चुके हैं दोपहर के 1। और अभी हम देखने आए हैं वैष्णो देवी माता का मंदिर हरिद्वार में। टेम्पल में तो फोन यूज़ करना अलाउड नहीं था, तो हमने कुछ वीडियो नहीं ली है। अब आ चुके हैं हम पावन धाम में। वो पावन धाम में क्या है, इधर आई थी उनको फोन यूज़ करने देते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पावन धाम धाम में एंटर होते ही ऐसे सब देवी देवताओं के मंदिर जैसा बनाया हुआ है, सभी भगवान के, पूरे हरिद्वार में ऐसा ही है, सभी भगवान ज्योतिर्लिंग है। उसका थोड़ा थोड़ा बहुत वो हमारे सूरत में प्रदर्शन जैसा होता है, इस टाइप से बनाया हुआ रहता है। और देख लीजिए, हनुमान जी महाराज, भगवान शंकर पार्वती, जैन धर्म, ऐसे सब मंदिर बनाए हुए हैं। और ये गंगा मैया, गंगा मैया है, और आगे भी मंदिर है, वहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई हुई है, देवी देवताओं के स्थापित किए हुए। तो मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और देख लीजिए इधर है अन्नपूर्णा माता और राधा कृष्ण। हमने पहले भी देखा सारे, और कांची लगा हुए हैं, तो भूल भुलैया जैसा भी आपको दिखाई देगा, और इसको भूल भुलैया भी बोला जाता है। तो चलिए बाहर तो निकल चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक निकलते हैं तो किसी को पता नहीं रहता है, पूरा भूल भुलैया जैसा लग रहा है। तो आते लोग अभी अंदर है, तो अंदर पहले कहाँ गए सब लोग, सभी देवी देवता के दर्शन कर लिए है। और ये पूरा पावन धाम है, पूरा कांच का बना हुआ है। शाम के बजने वाले 6:30, और हम लोग दिल्ली इधर से अभी 95 किलोमीटर बाकी है। हम 2 बजे से हरिद्वार से निकल गए थे दिल्ली जाने के लिए, तो अभी 90 या 95 किलोमीटर बाकी है। तो जब हम आए थे तो 20 में शिवा ढाबा आया था, जाते टाइम आए थे तब भी आया है, और जा रहे वहाँ पे ये ढाबे पे ही रोका है।
तो चलिए खाना का ऑर्डर दे दिया और सब लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो हमने क्या ऑर्डर दिया है, एक डोसा, तीन चार डोसे और एक काजू करी रोटी का ऑर्डर दिया है। देखते हैं किस तरह से इधर मिलता है। जब हम आए थे तब तो हमारा घर का नाश्ता था, वही हमने कर लिया था, अभी जाने के टाइम पे मंगाया है, क्या आता है। ये तो प्लेन डोसे आ चुके हैं, देख लीजिए तीन प्लेन डोसे मंगाए हैं। आते ही टूट पड़े क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह में पूरी और शाक और पोहे थे। तो डोसा तो इधर का अच्छा अच्छा है कि कैसा है? हाँ अच्छा है। तो चलिए अब आते ही सब खाने का स्टार्ट हो गया। अभी काजू करी और रोटी आएगी, रोटी भी आ चुकी है। रोटी देख लीजिए इधर इस टाइप जाती है, ऐसा लगता है नान या पुलसा होगा लेकिन प्लेन रोटी है। तो चलिए खा के फिर निकलेंगे फिर से दिल्ली की तरफ जाने के लिए। बज चुके हैं 10 और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 1 पे। और देख लीजिए सबका सामान आ चुका है और सब लोग हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। अभी सब एक दूसरे के बैग में से वजन मेंटेन कर रहे हैं, किसी के बैग में से दूसरे बैग में डाल रहे हैं, ऐसा सब गए। सुबह की फ्लाइट है हमारी कितने बजे की, 4 बजे 5 बजे की। और अभी अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर जाके क्या क्या करते हैं। तो रात के बज चुके हैं 12:30 हो रहे हैं, हमारी इंडिगो की फ्लाइट और सुबह है 4:55 पे हो। और हमने अभी जो बोर्डिंग पास है वो निकाल लिया है और सामान भी लगेज रखवा दिया है। और अभी हम जाएंगे आगे, थोड़ा हमारा जो चेकिंग होगा हैंडी बैग है वो वगैरह वहाँ पे वो करके सीधा अंदर जाएंगे। जो हम दिल्ली एयरपोर्ट पे सब सैंपल रखा हुआ है, इतनी चीज़ें फ्लाइट में अलाउड नहीं है तो वो लेके नहीं जा रहे हैं। हैंडी बैग भी चेक हो चुकी है और अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर थोड़ा सा सब कुछ देखने के लिए निकले है। देख लीजिए इधर आपको जो भी ख़रीदना हो, चिप्स विप्स खाने का इधर मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक लेना है तो इधर से कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। और अभी सुबह के टाइम में इधर इतनी भीड़ नहीं है डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल का टर्मिनल 2 और 3 है और हमें डोमेस्टिक में टर्मिनल 1 पे। और इधर काफ़ी सारे पुस्तक लेना हो वो भी ले सकते हो। और अभी फ्लाइट वाले ने ऐसा बोला है कि कोई फिक्स नहीं है कब कितने नंबर पे आएगा, तो बार बार देखते रहना। अभी तो 12 बजे सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, तो थोड़े देर कहीं बैठ के वेट करेंगे। देख लीजिए सब लोग तो बैठ गए। क्या रोहित भाई कितने दिन वेट करना है? 4:55 की फ्लाइट है अभी, 3-4 घंटे। हाँ तो सभी लोग अभी इधर बैठ चुके हैं। एयरपोर्ट पर खाने की सुविधा अच्छी है, इधर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी खाने का हो सब कुछ। देख लीजिए KFC, इधर ये मेडिकल दवाई कुछ खरीदना हो तो। और इधर काफ़ी सारी ब्रांड, अच्छी अच्छी ब्रांड है उसकी शॉप भी है। क्लॉथ लेना हो तो क्लॉथ की है। ये सब है खाने का एरिया। और ये दोनों क्या कर रहे हो खड़े खड़े? चलो इधर से ऊपर जाना है। ये देख लीजिए कलर्स, लेडीज का डिपार्टमेंट। पानी की बोतल इसमें से निकाल रहे हैं, देख लीजिए किस टाइप से इधर सब कुछ कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है। पानी की बोतल निकाल रहे हैं। तो पेमेंट तो कर दिया है, नहीं अभी प्रोसेसिंग में है। ये बदू तो कहाँ बताए सामान तेरे ना समझे ना कपन ओके डाउन ना लंबा तू का टाइम हो गया वो तुम तरह आउट से हो गया नहीं हो रहा प्रोसेसिंग में नेटवर्क दिखाओ तू। मैंने ट्राई की है निकालने की, पासवर्ड डाल रहे हैं और देखते हैं अभी निकलती है कि नहीं। संजय को नेटवर्क नहीं आ रहा था, हो गया अभी देख लीजिए जो ये बोतल गिर रही है। ले ले संजय सर पानी की बोतल आ गई है। ओके बज चुके हैं 4:18 हो चुकी है और हमारी फ्लाइट आ चुकी है। अभी हम जाएंगे फ्लाइट के अंदर बैठने के लिए। काफ़ी टाइम एयरपोर्ट पर गुजारा है 10 बजे से 5 बजे तक फ्लाइट में जाकर। और ये हमारी इंडिगो की फ्लाइट है इंडिगो, और इस बार भी हमारा नंबर पीछे ही आया है प्लेन में। चलिए पीछे जाते हैं। अपने यदि अहमदाबाद के होते तो मैं छोटा है मनोज आज फ्लाइट निकाल। और
अभी बज चुके हैं 4:30, देख लीजिए सब लोग आ चुके हैं प्लेन में, अभी प्लेन दिखाते हैं, चलिए। रोहित भाई बैठे हैं, रोहित भाई मज़ा आ रहा है ना आज, रोहित भाई को विंडो और सीट आई है इस बार, सोनल को भी विंडो आई है, पूरा प्लान है हिंदी को का, लगेज कब आएगा पता नहीं है। ये बज चुके हैं 2:30 और हम आ चुके थे 1:30 और अभी थोड़ा सा खाना बाना बाकी, आके सीधा नहाने चले गए थे, फ्रेश हो गए तो अभी खाना खाने के लिए बैठ गए और मम्मी आ चुके हैं। मम्मी गुड मम्मी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, क्या है सब कुछ ना लेते और खा लेते, फिर थोड़ा सा आराम करते, खाने में रोटी खमन और रस है। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत थक चुके हैं क्योंकि कल रात से कल से नहीं सोए है, तो कल पूरे जाके एयरपोर्ट पे जगे थे, फिर बस में आए हम, तो पूरे दिन थकावट वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ। जब तक न्यू वीडियो नहीं आता है तब तक वीडियो एंजॉय करो। अब तो हम सूरत में ही आ गए, तो वंदे मातरम, जय हिंद।